हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और जैसा कि मैंने बताया इससे पहले के वीडियो में कि जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का वीडियो है मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का आज यानी कि 9 अक्टूबर का पेपर का वीडियो। दोस्तों फुल एनालिसिस हम करने वाले हैं इसका फर्स्ट शिफ्ट का, और कुछ ही देर में आपको मिलेगा थर्ड शिफ्ट का। और सेकेंड शिफ्ट का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या फिर इस वीडियो का अंत में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी जो पहला वीडियो अपलोड किया था मैंने सेकंड शिफ्ट का, उसमें एक क्वेश्चन था वो कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो दोस्तों एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने उसको रॉन्ग आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसका जो राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट वो होगा उमेश चंद्र, जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो फर्स्ट सेशन था उसका कांग्रेस का उसी के दोस्तों, जो कि हुआ था 1885 में। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे करेक्शन करनी है। ये अभी मुझे एक कमेंट मिला दोस्त का, तो मैंने फिर इस पर देखा गौर से, तो हाँ वाकई बिल्कुल मैंने गलत बताया आपको, तो इसके लिए समझ आता हूँ दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। नेक्स्ट अगर शुरू करते हैं हमारा आज का पेपर। और इससे पहले बता दूँ, जो व्यूवर्स दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे के हर नए पेपर्स के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इसके जो बुक है ये बुक का नाम है दोस्तों पूरा, तो इसके राइटर का नाम पूछा था। तो इसके राइटर का जो नाम है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये लिखी थी दोस्तों। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो फर्स्ट फेज का पेपर हुआ था, फर्स्ट फेज MTS का 16 से 22 तक का, उसमें भी पूछा गया था MTS की जो ये जो लेखक है इनके अब्दुल कलाम है, इनके एक बुक का नाम। और उस समय मैंने पूरी बुक्स जितनी भी लिखी हुई थी इसकी उनकी, वो पूरी मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी। आपने देखा होगा तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो लिखी थी बुक, ये उन्होंने राष्ट्रपति जो कार्यकाल था उनका, राष्ट्रपति बनने थे उनसे इससे पहले उन्होंने ये बुक लिख दी थी दोस्तों। और इसका फर्स्ट प्रकाशन हुआ था 1998 में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो दोस्तों ये त्रिकोणाकार है। और मैं बता दूं आपको एक बार फिर से, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, प्रशांत महासागर अमेरिका एवं एशिया को पृथक करता है और ये विश्व का सबसे गहरा तथा बड़ा महासागर है। और औसत गहराई की बात करें तो 4280 मीटर इसकी गहराई है, यानी कि 4280 मीटर। नेक्स्ट पूछा था कृषि कल्याण सेस से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों मैं बता देता हूँ कृषि कल्याण सेस होता क्या है। दोस्तों ये भारत सरकार ने कृषि कल्याण सेस, शॉर्ट में बोलते KKC की शुरुआत की थी दोस्तों 1/6/2016 से। और ये एक टैक्स के रूप में ही एक काम में आता है दोस्तों, जो कि टैक्सेबल वैल्यू पर 0.50 की दर से ये लागू किया जाता है। जैसे कि उदाहरण फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, कोई भी आप ऑफिस किराए पे देते हो तो उसके अंदर टैक्स आपका लग रहा है 14.50, तो ये बढ़कर अब कितना हो जाएगा 15%, यानी कि 15%, यानी कि ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर। यही कृषि कल्याण सेस है दोस्तों। नेक्स्ट ये पूछा गया था अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र, यानी कि केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम फास्फेट। तो इसका फॉर्मूला जो होता है NH4 का होल थ्राइस PO4, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये एक्चुअली टाइपिंग में यहाँ पे इक्वल आ रहा है, नहीं तो ये होता है दोस्तों जैसे कि NH4 का होल थ्राइस और फिर PO4, ऐसे होता है ये, ठीक है। अगर इसके डेंसिटी यानी कि घनत्व की बात करें तो ये होता है 1.61 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है प्रकाश जो सूक्ष्मदर्शी है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी उसकी इन्वेंटर कौन था, मतलब कि खोज किसने की थी। दोस्तों मैं बता दूँ ये जो खोज गई थी वो की थी जो डच स्पेक्ट्रल मेकर है, जो डच के मतलब कि डच थे वो, जिनका नाम था जेचेरिस जेंसन एंड इसके जो फादर थे हंस, उन्होंने ये दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी दोस्तों। और अगर बात करें तो ये सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी 16th century में। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया भारत का कौन सा एयरपोर्ट जो यात्री संतुष्टि के मामले में पहले नंबर पर आया दोस्तों। एक सर्वे हुआ था उसमें ये जो यात्री है उनके संतुष्टि के मामले में जो एयरपोर्ट था वो था रायपुर, और उसका नाम है एयरपोर्ट का नाम वो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जो कि टोटल इसमें कितने सर्वे में कितने पार्टिसिपेट थे, 50 पार्टिसिपेट थे और इसमें 49 पार्टिसिपेट थे और उनमें फर्स्ट नंबर था रायपुर के एयरपोर्ट का दोस्तों। ये यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इनको जो रैंक पॉइंट मिली थी वो मिली थी 4.84, जो कि टोटल 5 में से थी।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा, अगर बात करें तो क्वेश्चन यही मिले हैं दोस्तों। मैं आपसे फिर कहता हूँ, एक बार मैं बार बार कहता हूँ कि आपका अगर एग्ज़ाम हुआ है जिस दिन भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं पेपर के डिफ़िकल्टी की। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इजी था इंग्लिश का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का, और आपने अटेम्प्ट करा है 18 से 20 क्वेश्चंस, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है दोस्तों। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो ये मॉडरेट था पेपर 14 से अगर 16 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं, तो ये आपका एक गुड अटेम्प्ट है। अगर रीजनिंग की बात करें तो ईजी था रीजनिंग का पेपर, 20 से 22 अटेम्प्ट आपके गुड है दोस्तों। अगर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो मॉडरेट था, 17 से 19 क्वेश्चंस आपके गुड अटेम्प्ट है। अगर ओवरऑल अगर बात करते हैं हम, तो इजी टू मॉडरेट था पेपर, और अगर आपने 100 में से 66 से 74 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें हैं, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें, और हाँ, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे की हर नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्दी ही लौटूंगा आपके लिए थर्ड शिफ्ट का पेपर लेके दोस्तों।